स्वागत है आपका बीबीसी हिंदी के लाइव फेसबुक में। आज आप देख रहे हैं मेरे यानी सलमान रावी के साथ भटकल से। जी हाँ, ये नाम सुनते ही एक अजीब सी फीलिंग पैदा होती है, क्योंकि भटकल को काफी बदनामी मिली है। यहाँ पर यासीन भटकल को पकड़ा गया, जो चरमपंथ का आरोप जिन पर लगा है। लेकिन भटकल जो है वो सिर्फ यासीन भटकल के लिए नहीं जाना जाता। यहाँ की बिरयानी भी बहुत फेमस है, यहाँ जो कोंकणी डिशेस हैं भटकल की वो मशहूर हैं, यहाँ का जो जैस्मिन फूल है, मलिगी फूल जिसको कहते हैं, वो बड़ा मशहूर है, जिसकी खुशबू बिल्कुल अलग तरह की है। और पूरे इंडिया में ये जो फूलों की प्रजाति है वो यहीं पाई जाती है। लेकिन यहाँ के लोगों को जब कहीं जाते हैं तो इस नाम की वजह से काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मेरे साथ यहाँ पे भटकल के बहुत सारे मौजूद लोग हैं, सीनियर लोग हैं, और पीछे तारीखी मस्जिद है जो टीपू सुल्तान की वालिदा ने बनवाई थी, जैसा बता रहे हैं लोग, कई सौ साल पुरानी ये मस्जिद। सबसे पहले तो आप लोगों का स्वागत है। मैं ये जानना चाह रहा था कि ये जो नाम भटकल का है, इसकी वजह से क्या परेशानियाँ होती हैं यहाँ के लोगों को? देखिए, भटकल के नाम के साथ जो टेररिज्म का टैग लगाया गया है, यहाँ पे लोकली भी और यहाँ से ट्रैवल करके बाहर जाते हैं तो सबसे ज़्यादा परेशानी होती है कि लोग शक की निगाह से देखते हैं। कोई भी ये कहता है कि मुसलमान है और भटकल का है तो टेररिस्ट है, और डायरेक्टली रियाज भटकल, यासीन भटकल के साथ उसका नाम जोड़ा जाता है, उसी नज़र से देखा जाता है। तो लोग ये महसूस करते हैं कि हमें कहीं भी जाते हुए अपनी आइडेंटिटी नहीं बतानी चाहिए, भटकल बताते हुए डर लगता है। और इस वजह से हमेशा लोगों को, चाहे हमारे स्टूडेंट्स हों, पढ़ने के लिए जाते हो, पढ़ाई के लिए जाते हों, या कॉलेजेस में पढ़ रहे हों, हर जगह स्टूडेंट्स की बात आती है। तो मेरे साथ बहुत सारे नौजवान स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं जो यहाँ के भटकल के हैं। एक बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो हमेशा कहता हूँ कि आप इस चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं। जो हम भटकल से जो लोग जुड़े हैं अभी हमारे साथ फेसबुक पर, मैं बताऊँ कि भटकल में इस वक्त हूँ, कर्नाटका का है ये, उत्तरी कन्नड है ये, उत्तर कन्नड़ा का इलाका है, और अरब के सागर से ठीक लगा हुआ इलाका है ये, बहुत तारीखी, बहुत पुराना शहर है। और अब आप इस चर्चा में हिस्सा ले सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स पे सवाल पूछकर और इस पे चर्चा में, लेकिन शालीनता के साथ, क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं जो बहुत आसान शब्दों में और शालीनता के साथ भी पूछे जाते हैं। इसमें बहुत सारी महिलाएं भी अपना कमेंट करना चाहती होंगी, लेकिन अगर आप अब शब्दों का प्रयोग करेंगे तो शायद वो ना करें, तो इसलिए अपनी बात, कड़ी से कड़ी बात और कड़ा से कड़ा सवाल बहुत शालीन भाषा के साथ भी रखा जा सकता है। तो बहरहाल नौजवानों से बात करते हैं, ये बताइए कि जब आप पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं कहीं, तो क्या आप बोलते हैं भटकल के बारे में, क्या इंप्रेशन रहता है? देखिए, मैं स्टूडेंट कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ और हमें बहुत सारे मीडिया फेस्ट या मैनेजमेंट फेस्ट में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। तो कहीं मौका मिलता है तो हम बाहर जाते हैं तो हमको हमारा कॉलेज और हमारा गाँव रिप्रेजेंट करना पड़ता है। उस हम जब बोलते हैं कि हम भटकल से हैं तो एक अलग नज़रे से हमें देखा जाता है, हमको इग्नोर किया जाता है। हम उनको एक ही मैसेज पास करने की कोशिश करते हैं कि अगर आपको भटकल आने का मौका मिला तो आप आइए और देखिए यहाँ पर कितने अमन और शांति है, कितना पीस से हम लोग रहते हैं, कितना हिंदू और मुस्लिम और की यहाँ पर भाईचारगी हमारी यहाँ पर होती है। तो बस आप समझ सकते हैं कि भटकल में अगर सिर्फ आप बाहर से लोग यहाँ पर कमेंट करते हैं, आप यहाँ पर आकर देखिए यहाँ पर माहौल कैसा है। यहाँ पर दंगे भी हुए थे एक ज़माने में, 1993 में शायद, उसके बाद से फिर तो कभी कोई दंगा नहीं हुआ। ऐसे कुछ हुआ नहीं अभी तक, इंशाल्लाह अभी होएगा भी नहीं। और भटकल की मुस्लिम भी अच्छे है, मुसलमान हिंदू मुस्लिम भी सब मिलके जुल के रहते हैं सब, इंशाल्लाह ऐसी कोई बात नहीं। अगर इंडिया में किधर भी जाओ, अगर भटकल की जैसा बोलोग आपको, और हिंदू मुस्लिम भाईचारगी में और आपको किधर भी नहीं मिलेगा, इंशाल्लाह अमन है। बदनामी ज्यादा है, बदनामी तो ऐसे हो जाते हैं, बड़े बड़े लोग करते हैं, हम लोग तो नहीं करते, बड़े बड़े नेता लोग सब करते हैं कि भटकल टेररिस्ट है, ऐसे है वैसे है बोलते हैं, और इधर से टेररिस्ट पैदा होता है बोलते हैं। लेकिन अगर वो आके इधर बस के देखेंगे तो मालूम पड़ेगा कि भटकल क्या है। हमको इतना मालूम है कि हमको सबको ये पैगाम देना है कि भटकल पे जितने भी अच्छे लोग हैं सब ऐसे ही रहना मांगते हैं, इंडिया में भी मिलजुल के रहना बोलते हैं हम लोग। ये बताइए कि भटकल की खास चीजें क्या है? बिरयानी भटकल में जो खास चीज है, भटकल की बिरयानी है, भटकल का हलवा है, और भटकल में खास इम्पोर्टेंट जो है, यहाँ पर जो एनआरआई लोग जो यहाँ पर बसते हैं उनकी तरफ से ये भटकल का जो आप डेवलपमेंट देख रहे हैं, ये बहुत उनकी बड़ी रेमिटेंस से जो पैसा आता है, रेमिटेंस से जो पैसा आता है वो यहाँ से जो आप डेवलप देखते हैं, यहाँ के रास्ते देखो, यहाँ के मकाना अगर देखे जाए तो ये सबसे बिरयानी बताइए, यहाँ की बिरयानी का जो है
ये क्या बिल्कुल अलग तरह से बनती है? हाँ, यहाँ से जो बिरयानी कम्पेयर टू, जैसे आप जानते हैं हैदराबाद की बिरयानी है, तो भटकल की जो दम बिरयानी बोलते हैं वो इसे फेमस है। अच्छा अच्छा, आप इधर की बिरयानी खा के जाओ, इंशाल्लाह मालूम पड़ेगा कि भटकल का बिरयानी कैसा है, तो आप फेमस हो जाएंगे। आप यहाँ स्थानीय पत्रकार हैं, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रजा मानवी है, मैं कनाडा जर्नलिज्म से ताल्लुक रखता हूँ। ये खास चीजें क्या है भटकल की? यहाँ जो लोग नहीं जानते हैं भारत में भटकल के बारे में, वो क्या जी क्या बताएंगे उनको? भटकल के जो खास चीजें यहाँ की अच्छाई है, यहाँ के लोगों का दिल बिल्कुल साफ है, हिंदू मुसलमान बिल्कुल साफ दिल के साथ रहते हैं। ऐसा तो यहाँ का हलवा फेमस है, पूरी दुनिया में मशहूर है, यहाँ का हलवा जाता है, लोग लेके जाते हैं। बदनाम जो है हुआ है, लेकिन यहाँ की अच्छा ही, यहाँ लोगों को अभी मालूम होना है, यहाँ रहेगा तो उसको मालूम होगा। यहाँ कोई ऑफिसर आता है ज्वाइन होके, फिर यहाँ से जाने का मन नहीं करता, वो शुरू में डरता है, लोगों को डराते हैं, कुछ बहलाते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद वो यहीं का रह जाता है। एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग जो पीछे खड़े हैं उनसे, कि ज्यादातर यहाँ जो शादियां जो होती होंगी, मान लीजिए कहीं, तो अब शादी के लिए अगर पैगाम भी आए, तो क्या भटकल में पैगाम भेजते हैं लोग लड़कों के लिए, ये बताइए। नहीं, यहाँ पर देखिए, एक कम्युनिटी है, ज्यादातर डोमिनेंट कम्युनिटी जो है नवाइस है, ये आपस में एक दूसरे के साथ शादियां कर लेते हैं, और बाहर से भी रिश्ते आते हैं जाते हैं, बल्कि बाहर जो हमारे लोग बस रहे हैं वो भटकल में आकर ही शादी करना चाहते हैं। ऐसा कोई रिश्तेदारी में कोई मसला नहीं होता, हमको कम्युनिटी वाइज थोड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएट किया गया है मीडिया में, जो हाईलाइट किया गया है, और उस तरह नहीं, भटकल उस तरह नहीं है जो मीडिया में दिखाया गया है, भटकल कुछ और चीज़ है, वो भटकल आकर देखने पर ही मालूम पड़ सकता है। भटकल वैसा नहीं है जैसा मीडिया में बताया जाता है, ये कहना है यहाँ के लोगों का। मैं ये जानना चाह रहा था, लेकिन ये जो लोग ये पैदा हुए, ये कैसे आए ये सब में, यासीन भटकल और ये सब जो नाम आते हैं, ये किसकी वजह से हुआ, ये क्या नहीं, क्यों ऐसा? देखिए साहब, यासीन भटकल हो, रियाज भटकल हो, जब तक कोर्ट से कन्विक्ट नहीं होता किसी को हम टेररिस्ट कह ही नहीं सकते। ये मीडिया में हाईलाइट किया गया, अब ये लोग क्या किए हैं क्या नहीं कि हमें उसे पता नहीं, अगर किए हैं तो कानून है अपना काम करेगा, उसे हमें कोई लेना देना नहीं। वी आर नॉट स्पॉन्सरिंग द टेररिज्म, और हम उनके साथ पैटर्नाइज करते हैं। ये आरोप लगता है संघ परिवार का और दूसरे जो संगठन है कि यहाँ पर कट्टरपंथ जो है वो ज्यादा सिखाया जाता है, ऐसा करके बोलते रहते हैं भटकल के बारे में। नहीं, संघ परिवार तो पूरे हिंदुस्तान में वही कर रहा है ना, जहाँ मुसलमान अपनी शनाख्त के साथ, आइडेंटिटी के साथ जी रहे हैं, जो मुसलमान अपने मजहब पर कायम है, उनको टारगेट बनाना संघ परिवार का काम ही है, और संघ परिवार हर जगह कर रहा है इस भटकल के, नॉट एन आइसोलेटेड केस, सब जगह मदरसों पे, मस्जिद पे यही वो लोग कर रहे हैं, और इसी वजह से उनकी सियासत चल रही है। यहाँ भी मुसलमानों में आपस में भी काफी झगड़ा है कि भाई सलफी जो है इस्लाम वो अलग है, तो सूफी इस्लाम अलग है। ये भटकल में नहीं है, और छोटे मोटे रिफ्ट तो सारे सब जगह पाए जाते हैं, भटकल में ऐसा कोई दूसरी जगह जहाँ पे जैसा है उस तरह भटकल में ऐसा कुछ नहीं, सब मिलजुल कर रहते हैं, एक मस्जिद है, सब लोग यहाँ आते हैं, हनफी शाफी सलफी सब लोग यहाँ नमाज पढ़ते हैं, किसी को कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ये बताइए कि क्या ड्रीम्स हैं यहाँ के लड़का, जो लड़कियां हैं, नौजवान बच्चे हैं, उनकी ड्रीम्स क्या है, क्या सपना देखते हैं वो भटकल के नौजवान बच्चे? ज्यादातर जो है यहाँ पर ट्रेंड रहता है भटकल में बाहर जाने का, गल्फ जाने का। क्यों गल्फ? तो आजकल वो ऐसा नहीं है, कम हो रहा है। नौकरियों में क्यों नहीं? वो एक्चुअली होना चाहिए, इसकी इम्पोर्टेंस होना, कोशिश चल रही है यहाँ पर, हमारे जो एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसके ऊपर वर्कशॉप्स और उसकी इम्पोर्टेंस के ऊपर जो है प्रोग्राम्स वगैरह करते हैं। आजकल जो है अभी इसके अंदर शुरुआत हो रही है, इंशाल्लाह आगे चलकर इसका अच्छा रिजल्ट आएगा। सरकारी यहाँ पर मेन अभी जो यहाँ पर जो ट्रेंड चल रहा है, यहाँ पर हमारे जो बेल्ट के अंदर IAS IPS का जो अभी तक ये नहीं है एडमिनिस्ट्रेशन लेवल में या पुलिस डिपार्टमेंट में, उसमें ज्यादा कोशिश कर रही है, और हर बच्चे का भी ड्रीम यही है कि मैं भी एक IAS ऑफिसर हूँ। बेसिकली ये जो है कि कम्युनिटी है, ये ट्रेड माइंडेड कम्युनिटी है, बिजनेसमैन है, इसीलिए सरकारी नौकरियों में और उस तरफ जाने के लिए रिप्रेजेंटेशन नहीं कर पाते, लेकिन उसके लिए कम्युनिटी वाइज कम्युनिटी लीडर्स इसको बूस्ट कर रहे हैं और उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं, आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। कह रहे थे हम ये कि भटकल को जो बदनामी का सामना करना पड़ रहा है नाम की वजह से, क्या ये वाकई उतनी बुरी जगह है, या वाकई इस तरह से आपस में तासुब है लोगों के बीच में, क्या हिंदू मुसलमान मिलजुल के रहते हैं यहाँ पर, कैसे क्या माहौल क्या है, और यहाँ क्या परेशानियाँ आती हैं सबसे बड़ी, कि यहाँ का नाम लेने के बाद क्या परेशानी आती है? ये सवाल तो आपको अपने ऑफिसर से करना चाहिए, पुलिस डिपार्टमेंट है, कस्टम्स है, फिर यहाँ से तहसीलदार हैं, DC हैं, AC हैं, ये सब लोग बाहर से आए हुए हैं यहाँ पे। कौन भटकल के कोई DC भी भटकल का नहीं है, AC भी भटकल का नहीं है, सब लोग बाहर से ही आए हैं,
जो यहाँ सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो डिनाई ऑलरेडी डिनाई कर चुका है। जितने भी पुलिस सुप्रिंटेंडेंट आए हैं यहाँ पे सब बाहर से ही आए हैं, सब यूपी के हैं, यहाँ बिहार के हैं, कोई बिहार के आया, कोई यूपी से आया, कोई एक एसपी आया तमिलनाडु से आया। वो यहाँ आने के बाद क्या महसूस करते हैं आप उनसे पहले पूछिएगा। हम लोग यहाँ सब खुश हैं, सब मिलके हैं। ये लोगों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ता है? हमारे को आप बैंगलोर गए, परेशानी का सामना ये मीडिया से हो रहा है। हमको मीडिया से सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है। और यहाँ मीडिया वो जो कोबरा पोस्ट है उन्होंने पता भी चला दिया कि आप लोग बिखाव हैं, आप पैसा लेके जो न्यूज बनाते हैं, और वो जो पैसा लेके जो न्यूज बनती है यहाँ पे वो जैसे चाहे वैसे हम इंडिया